बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। वो बॉलीवुड में मुकाम हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हाल ही में आई शाहरुख की फिल्म रईस में लैला गाना अब तक की उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इसके अलावा सनी बतौर लीड एक्ट्रेस कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन शुरुआती पहचान उनकी एक पॉर्न स्टार की थी। साल 2010 में दुनिया की सबसे चर्चित पॉर्न स्टार की लिस्ट में सनी को टॉप 12 में रखा गया था। लेकिन आखिर सनी इंडस्ट्री में गई क्यों? गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं स्वाति सिंह आपको बताने जा रही हूँ वो कारण जिसकी वजह से सनी को पॉर्न इंडस्ट्री में जाना पड़ा। सनी लियोनी पंजाबी हैं, उनका नाम करणजीत कौर है, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग कनाडा में हुई। पढ़ाई के वक्त ही उन्हें फिल्मों और मॉडलिंग में जाने का मन था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वह एक बेकरी में काम करती थी, तभी उन्हें एक मॉडलिंग एजेंसी के बारे में पता चला। वहाँ उनकी मुलाकात जॉन स्टीवन नाम के एक एजेंट से हुई। उसने सनी को देखते ही सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सनी ने जब अपना काम पूछा तो उसने एक एडल्ट फिल्म ऑफर कर दी। कुछ सोचने के बाद सनी ने इसके लिए भी हामी भर दी। इसके बाद एजेंट ने उन्हें एक ऑडिशन देने को कहा। इस बारे में सनी कहती हैं कि उन्हें उस ऑडिशन में 2 मिनट तक टॉपलेस रहकर एक वेबकैम के सामने पोज करने को कहा गया था, और उन्होंने ऐसा किया भी। इसके बाद सनी ने विविड एंटरटेनमेंट के साथ करार किया और देखते देखते टॉप पॉर्न स्टार बन गई। मैक्सिम मैगजीन ने साल 2010 में उन्हें टॉप 12 पॉर्न स्टार के कैटेगरी में रखा था, लेकिन सनी को तो कुछ और ही मुकाम मंजूर था। वह पहले बिग बॉस में आई, जिसके बाद उन्होंने अपना फिल्मी करियर स्टार्ट किया। शुरुआती फिल्मों में उन्हें जिस्म 2, रागनी MMS और जैकपॉट जैसी फिल्में मिली, जो कि बाद में शाहरुख की फिल्म रईस में लैला के गाने तक पहुंची। साल 2015 में सोशल मीडिया सर्चिंग मामले में सनी सबसे पॉपुलर हस्ती रही। वह आगे भी अपने ज़िंदगी में ऐसे ही नए मुकाम हासिल करते रहे। हमारी वेल विश हमेशा उनके साथ है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज़ पर।